बड़ो पंजाब के खोखले नारे। तहसील दुनियापुर के मौजा नाइक चक नंबर 14 ME 1993 में तमीर किया जाने वाला गवर्नमेंट गर्ल्स प्राइमरी स्कूल 22 साल गुजर जाने के बावजूद वीरान पड़ा हुआ है। स्कूल महकमा तलीम के हवाले भी किया जा चुका है, लेकिन कोई उस्तानी तैनात नहीं की गई, जिसकी वजह से गाँव की बच्चियाँ दूसरे गाँव चक नंबर 253 WB 4 किलोमीटर का सफर तय करके पढ़ने के लिए जाने पर मजबूर हैं। जबकि गाँव की 20 बच्चियाँ जो नर्सरी और प्रेप जमात में पढ़ती हैं, इन्हें लड़कों के स्कूल में दाखिल करा दिया गया है। स्कूल की खाली इमारत मकामी वडेरे के ज़ेर इस्तेमाल है, जिन्होंने इसे मवेशियों का बहाना बना रखा है। जानवरों का फसला स्कूल में ताफन उठ रहा है, जबकि पालतू कुत्ते भी स्कूल में रखे गए हैं। इमारत टूट फूट का शिकार है, कमरों में पेड़ों के छते लगे हुए हैं, इसमें झाड़ियाँ उगी हुई हैं। स्कूल में पढ़ाई ना होने के बाद इस गाँव के बच्चे शदीद सर्दी और गर्मी में दूसरे गाँव में अपनी इलम की प्यास बुझाने के लिए जाने पर मजबूर हैं। इस स्कूल के बारे में मकामी आबादी क्या कहती है, आइए इन्हीं की ज़बानी ही सुनते हैं। ये गर्ल्स स्कूल हमारा 1993 से बन चुका है, जो अब पहले हैंड ओवर नहीं हुआ था, अब 2-3 साल से ये हैंड ओवर हो चुका है, लेकिन कोई उस्तानी हमें नहीं मिल सकी। मेहरबानी हमारे उस्तानियाँ प्रोवाइड की जाएँ। महकमे के पास जाते हैं, महकमे वाले इस पर तवज्जो नहीं देते। मेरा नाम मोहम्मद अफजल है, मैं CUC का रहायशी हूँ। ये स्कूल 1997 में बच्चियों के लिए बना था, लेकिन आज जिन बच्चों को यहाँ आना चाहिए था वो लड़कों वाले स्कूल में उनके साथ पढ़ती हैं। और यहाँ पे ये देख लें आप, जो ये गंद और जानवरों वगैरह का फजला यहाँ पे शामिल है। और महकमा को हैंड ओवर भी हो गया, लेकिन महकमा वाले को पूछने के लिए तैयार नहीं है। तो महकमे से रिक्वेस्ट ये है कि वो इस स्कूल को जल्द अज चालू करें, ताकि बच्चों की पढ़ाई का हर्ज ना हो। और यहाँ वडेरों को राज की वजह से ये इसमें जानवर बंधे जाते हैं और ये बंद है, और महकमा से गुजारिश है कि इसको जल्द अज जल्द चालू किया जाए, ताकि बच्चों की तलीम को यकीनी बनाया जाए। भाई जान सारे बाल जड़े हैं ना इतों के 253 चाके चवैन पढ़ाने वास्ते, तो लड़के वाला स्कूल जड़ा है चालू है, तो लड़कियों वाला बंद है। इतने कम से कम जड़ा है ना 350 की आबादी है लड़कियों की। ये वो बच्चे और बच्चियां हैं जो यहाँ से 4 किलोमीटर दूर के स्कूलों में जाकर तालीम हासिल करते हैं, जबकि इन जैसी बेशुमार बच्चियां ऐसी भी हैं जिनके वालदैन इनको दूर के स्कूलों में भेजना ही नहीं चाहते, जिसकी वजह से ये बच्चियां गांव की गलियों में खेल कूद कर अपना मुस्तकबिल तारीख कर रही हैं। इसका जिम्मेदार कौन है, शायद ये एक सवालिया निशान है। SPO आवाज़ जवाबदेही प्रोग्राम के लिए सलमान चौधरी, दुनियापुर।